नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइन फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वाइट कलर का गाउन बनाना सीखेंगे। तो ये गाउन डिफरेंट होने वाला है, वो इसलिए आप सभी ने मैंने प्यार किया मूवी तो ज़रूर देखी ही होगी। तो उसमें जो सॉन्ग है मेरे रंग में रंगने वाली, तो भाग्यश्री उसमें एक गाउन पहनती है उस गाने के स्टार्टिंग में वाइट कलर का, जो फ्रॉक भी होता है और जिसे हम डिटैच करके या अटैच करके जो है फुल लेंथ गाउन भी बना सकते हैं। वो टू पीस था अलग अलग। तो किस तरह से बनेगा इसके हम हैंड ग्लव्स भी बनाएंगे, तो पूरा कंप्लीट जो लुक था वो तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ अस्तर। सबसे पहले हम फ्रॉक बनाएंगे, उसकी कटिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे प्रेस करके जो है एक फोल्ड में रख लिया है। फोल्डेड पार्ट मेरे साइड है, तो मैं फ्रंट और बैक दोनों जो है एक साथ कटिंग करूँगी पहले। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है, देखिए। तो ये दोनों फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है और ओपन पार्ट इस साइड है। तो इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे तो हमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ मिल जाएंगे, अपर बॉडी। ओके, तो मेरी फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो है 45 इंचेस, जिसमें से 16 इंच जो है अपर बॉडी लेंथ है। ओके, तो ये 16 इंच की है अपर बॉडी। तो ये सेल्वेज पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे, अच्छी फिनिशिंग आएगी उससे। तो 16 इंच जो है हमारी टोटल बॉडी लेंथ है, उसमें हाफ इंच हम और ऐड करेंगे नीचे से सिलाई के लिए। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है, नीचे से जो हम दोनों बॉडी पर अटैच करेंगे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लगेगा हमें। तो मैं 16.5 पर यहाँ पर मार्क करती हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। हमारा जो शोल्डर है वो है 15 इंचेस, तो 15 का जो हाफ होता है वो होता है 7.5। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो जितना भी हमारा शोल्डर आता है उतना ही हम जो है आर्म होल का लेंथ लेते हैं। तो इसे भी हम 7.5 इंच मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, तो इसे भी हमें रखकर 7.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये 7.5 इंच का बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारा। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट राउंड आता है आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस हाफ इंच उसमें लूजनेस करनी है। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो है 40 इंचेस। 40 डिवाइड बाय 4 10 इंचेस होता है, जिसमें हाफ इंच हमने लूजनेस ऐड किया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है टोटल 10.5 मार्क करेंगे। सेम हमें वेस्ट राउंड का फॉर्मूला लेना है। हमारा जो वेस्ट राउंड है वो है टोटल 36 इंचेस। 36 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो आता है 9 इंचेस। तो उसमें प्लस हाफ हमें जो है लूजनेस लेनी है, तो ये टोटल हमारा हो जाता है 9.5 इंच। तो ये दोनों पॉइंट को भी हम मार्क कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी हमने मार्क कर दिए हैं। अब हमारी नेक की जो विड्थ है वो टोटल 3 इंच है। नेक विड्थ टोटल 3 है, तो यहाँ से हम 3 मार्क करेंगे, 3 इंचेस। यहाँ से हाफ इंच हम नीचे लेंगे, जो हमारा शोल्डर स्लोप है। 1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे, ये हमारा जो फ्रंट का आर्म होल का हम शेप देंगे उसके लिए यूज़ होगा। तो ये सारे पॉइंट हम मैच कर देते हैं और इसे मैच कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर मेजर करना है। तो टोटल 7 इंच आता है। 7 का हाफ होता है 3.5। तो यहाँ पर मैं दोनों 3.5 पर मार्क कर दूँगी, इससे जो है मैं ईजिली शेप दे पाऊँगी। तो हम शेपर की हेल्प से शेप देंगे इसको। तो सबसे पहले मैं बैक का शेप दूंगी। शेप देने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा मेजरमेंट रखना है हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ, आप चाहे तो 1 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है 1.5 इंच होता है।
ये हमने मार्क कर लिया। अब हम जो है शेप देंगे। सबसे पहले मैं बैक का शेप दूंगी। अब हम यहाँ से फ्रंट का शेप देंगे, जो 1 इंच हमने अंदर लिया था वहाँ से देखते हुए। तो ये फ्रंट शेप भी हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है सिलाई के लिए। यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। तो बैक का आर्महोल शेप फॉलो करते हुए आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसकी हम कटिंग करेंगे। कट करने से पहले जो है मैं एक इसे थोड़ा पिनअप कर लेती हूँ, ताकि ये जो है फ्रंट और बैक आगे पीछे ना कटे। तो कटिंग कर लेंगे। तो ये जितना भी आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग हो चुकी है। तो इसे उठाने से पहले हम क्या करेंगे, हम अभी जो है फ्रंट आर्महोल का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, इस तरह से मार्क करते हुए। ओके, तो ऊपर के सिर्फ 2 पलड़े आपको पकड़ने हैं, ये दो नीचे के इसी तरह से रखेंगे। ऊपर के 2 पलड़े पकड़कर आपको इसकी कटिंग कर लेनी होगी। तो ये फ्रंट आर्महोल का शेप हो चुका है। फिर हम निकाल लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा जो है बैक का पार्ट है। तो अब इसी को रख कर हमें जो है मेन फैब्रिक की कटिंग करनी होगी। ओके, तो हमने मेन फैब्रिक की भी इसी तरह से कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों की। अब जो है हम स्कर्ट का पार्ट यानी कि जो लोअर बॉडी है उसकी कटिंग देखेंगे। तो स्कर्ट का जो अस्तर है उसकी कटिंग करने के लिए इसे जो हमने 4 फोल्ड में रखा है, त्रिकोण शेप में। तो ये आपको कपड़ा किस तरह से रखना है, सपोज़ ये आपका कपड़ा है तो इसे आप एक फोल्ड करेंगे। देखिए कपड़ा है, इसे एक फोल्ड किया और फिर कोई भी एक कोना पकड़ के आपको इसे एक और बार इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए तो ये जो है त्रिकोण शेप में आ जाएगा इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके हटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसका मेजरमेंट कैसे किया है। जो भी आपका वेस्ट राउंड है, जैसे मेरा वेस्ट राउंड जो है 36 इंच था, तो 36 को मैंने फ्रंट और बैक 2 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल होता है 18 इंचेस। 18 और 18 मिलाएंगे तो 36 होता है। तो 36 डिवाइड बाई 2 करने पर 18 आता है। 18 में हमें 2 इंचेस प्लस करना है। 2 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि अपर बॉडी में हमने 1 इंच जो है दोनों तरफ एक्स्ट्रा लिया है, तो वो 2 इंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो टोटल 20 इंचेस हो जाता है। तो 20 इंचेस होने के बाद में, क्योंकि ये 4 फोल्ड में है तो हमारा आगे का ये जो पूरा हिस्सा है, आगे 20 होना चाहिए और पीछे 20 होना चाहिए। ठीक है, 2 हिस्से में, क्योंकि इसको हमने 4 हिस्सों में रखा हुआ है। तो इसी फ्रंट में जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये 10-10 पर डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ये इतना हिस्सा मेरा 10 है तो मैं इसे ओपन करूँगी तो ये भी 10 होगा। तो 10-10 मिलाकर 20 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 फोल्ड में रखा है इसीलिए।
तो ये जो मैं मेजरमेंट आप देख रहे हैं, मैंने दो बार ली है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, क्योंकि इसमें दो से तीन बार आपको चेक करना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट पर अगर आपको मार्क चेक करना पड़ता है, पहले मैंने 10 इंच लिया था, 10 इंच पर मार्क करते हुए मैंने मार्किंग की थी। उसके बाद में मुझे चेक करना है ये जो मेरा राउंड है, तो टोटल 10 इंच आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 होगा तो पीछे भी 10 होगा और दोनों मिलाकर जो है 20 होंगे। तो जब मैंने चेक किया तो ये कम था, तो इसलिए हमने 2 इंच और बढ़ाया और यहाँ से हमने जो है इसे 12 इंच पर मार्क किया है। 12 इंच पर मार्क करने के बाद ये शेप किया इसे हमने, और जब हम इसे चेक करते हैं तो ये हमारा जो है 10 इंच पर आता है। तो यहाँ से ये जो है 10 इंच आ रहा है। तो 10 इंच आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें स्कर्ट की लेंथ लेनी है। तो मेरे मेन फैब्रिक के स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 29 इंचेस। तो क्योंकि ये अस्तर है तो इसे हम 1 इंच जो है लेस लेंगे, तो टोटल होता है मेरा 28 में आपको प्लस 1.5 इंच करना है, हाफ इंच ऊपर की सिलाई का और 1 इंच जो है नीचे की सिलाई का। तो यहाँ से मैं रख कर मेजर करूँगी, टोटल 29.5 इंच आता है। ओके, 29.5 इंच लेने के बाद में आपको क्या करना है, ये मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ ऊपर से हमें ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से रखकर हमें इसकी पूरी लेंथ चेक करनी है, जो कि आती है 41.5 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमें यहाँ से चौक पकड़ना है और इस तरह से 41.5 इंच तक पूरे एंड तक वहाँ तक जो है मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो है मेरा मेन है, तो मैं इसे और इस पूरी मार्किंग को कट कर लूँगी। तो ये कटिंग हो चुकी है हमारे, अब हमें जो है मेन फैब्रिक हम अम्ब्रेला कट करने वाले हैं। इसके लिए इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में किया है, जितने भी फोल्डेड पार्ट है वो हमारी तरफ है और ओपन पार्ट जो है इस तरफ है, चारों ओपन पार्ट जो है इस तरफ है हमारे। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है, तो मेरा टोटल वेस्ट राउंड जो है 36 इंच है, उसमें मैं 4 इंच प्लस करूँगी, 4 इंच प्लस इसलिए क्योंकि ऊपर की जो मेन बॉडी है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा पीछे लिया है, तो टोटल 4 इंच होते हैं। तो 36 में प्लस 4 करेंगे तो आता है 40। तो जो भी आपका वेस्ट राउंड आएगा 40 डिवाइड बाय 6.28 आपको करना है, जो भी वेस्ट राउंड आपका आता है प्लस करने के बाद में उसको आपको डिवाइड बाय 6.28 करना है। तो मेरा डिवाइड बाय 6.28 करने पर जो है 6 इंच आता है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ से रखकर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देते हुए 6 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद में मुझे लेना है टोटल लेंथ, तो हमारा जो लोअर बॉडी का टोटल लेंथ है वो है 29 इंचेस। 29 इंच में हम प्लस 1.5 इंच करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मेजरमेंट है सिलाई के लिए, तो टोटल हो जाता है 30.5। तो यहाँ पर रख कर, देखिए यहाँ पे रख कर मुझे 30.5 पर मार्किंग करनी है। तो वहाँ से 30.5 पर हम मार्किंग करेंगे चौक से। तो इस तरह से मार्क करने के बाद में मैं फिर से क्या करूँगी, ये मेन पॉइंट पर मेजरमेंट टेप रखूँगी और यहाँ ऊपर से नीचे तक जहाँ पर हमने मार्किंग की थी यहाँ तक हम जो मेजर करेंगे, तो टोटल आता है 36.5। तो अब इसी तरह से यहाँ पर हमें मेजर टेप रखनी है पॉइंट पर और एंड तक जो है 36.5 मार्क करते हुए ये सर्कल शेप बना लेना है। ओके, तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो ये कटिंग हो चुकी है। तो इस गाउन की हम जो है स्टिचिंग देखेंगे आपको। सबसे पहले हम फ्रॉक सिलने वाले हैं। तो ये फ्रॉक का जो है फ्रंट पार्ट है जिसका हम नेक का फिनिशिंग करेंगे पहले। तो मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ रख लिया है। तो इसकी जो टोटल विथ है वो है 3 इंच, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है क्योंकि जब इसे हम सिलेंगे तो ये 3 इंच का रेडी होगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6.5 इंच, तो ये तैयार 6.5 ही होगा। स्टिच होने के बाद में हाफ इंच ऊपर से शोल्डर की सिलाई हो जाएगी। ओके, उसके बाद में हमने एक बॉक्स बना लिया है और इसमें जो है मैंने लीफ का शेप दिया है। तो ये थोड़ा इस तरह का शेप है, देखिए ज़्यादा टर्न नहीं देना है आपको। तो ये शेप मैंने दे दिया है, अब मैं जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो नेक की कटिंग हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, तो
तो ये जो है राइट साइड है कपड़े का और ये रॉन्ग साइड है, कि जब हम टर्न करेंगे तो ये राइट साइड जो है अंदर की तरफ आना चाहिए ऊपर की तरफ, तो इसीलिए एक राइट साइड और एक रॉन्ग साइड रखकर हमें जो है सिलाई करनी है। तो इस पर मैं जो है पहले हाफ इंच की मार्किंग कर लेती हूँ, तो मुझे ये सिलने में आसान हो जाएगा ये शेप। तो ये शेप देकर हमने इसे जो है पिन भी कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ में। अब यहाँ से आप ये जो मार्किंग देख रहे हैं इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ओके, तो इसे स्टिच करके हमने जो है क्लिपिंग भी कर ली है इसकी, इस सिलाई को बचाते हुए, ताकि ये जो है इजीली टर्न हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए टर्न हो चुका है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये किनारा पकड़ते हुए अच्छे से हमें इस पूरे नेक की एंड तक सिलाई कर लेनी है, तो ये गला बैठ जाएगा अच्छे से। तो ये मैंने नेक को टॉप स्टिच कर दिया है और ये साइड से भी मैंने सिलाई करके दोनों कपड़े को फिक्स कर लिया है कच्ची सिलाई देकर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि पीछे जो बैक नेक है, बैक पार्ट है हमारा, उस पर हम लगाने वाले हैं जिप। तो उसे रेडी करने से पहले हम जो है स्कर्ट रेडी करेंगे पहले। तो ये स्कर्ट का फ्रंट और बैक दोनों है, तो हमें क्या करना है, नीचे से इसका बॉटम स्टिच करना है। तो ये रॉन्ग साइड है, इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ना हमने, तो ये हाफ इंच और हाफ इंच, इस तरह से आपको इसे फोल्ड करते हुए जाना है और किनारे पर, ये किनारा जो आप देख रहे हैं इस पर सिलाई लगानी है, इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई लगानी है किनारे पर। तो एंड तक हम इसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और दोनों ही जो बॉटम है स्कर्ट के फ्रंट और बैक उसे स्टिच कर लेंगे नीचे से। तो ये बॉटम हमने दोनों का स्टिच कर लिया है नीचे से। तो ये मैंने जो है स्कर्ट का मेन फैब्रिक ले लिया है जो नेट है, इसका भी हम जो है बॉटम फिनिश करेंगे पहले दोनों फ्रंट और बैक का। लेकिन इसमें हमें क्या डिफरेंट करना है, देखिए ये मेरे कपड़े का जो है रॉन्ग साइड है, ये स्ट्रिंग है, इसे जो है मोस्टली ये प्लास्टिक की है वाइट कलर की, इसे बॉटम में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रॉक के या स्लीव का जो बॉटम होता है, इसे जो फ्लेयर होता है नीचे का जो बॉटम लुक होता है वो और भी ज़्यादा जो है सुंदर और डिफरेंट नज़र आता है। तो इसके हेल्प से मैं जो है इसके बॉटम की स्टिचिंग करने वाली। तो स्टिचिंग हमें कैसे करना है, इस तरह से कपड़े, देखिए मेरे पास जो दूसरी मशीन है उसका यूज़ करते हुए मैं, आप ओवरलॉक जिस तरह से करते हो उसी तरह से उसका यूज़ करते हुए मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी। इन केस अगर आपके पास नॉर्मल मशीन होती है फुल या हाफ शटल की, तो आप किस तरह से इसका स्टिचिंग कर सकते हैं, इस तरह से आपको इसे रखना होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन उसमें भी आप जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर हमें पहले से पक्का करना होगा ताकि आगे पीछे ना हो, ये हिलता बहुत है तो हमें पकड़ के रखना है। तो इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए जाऊँगी, फिर से देखिए मैंने ये रखा पक्का किया, इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए जाऊँगी और इसकी सिलाई लगाते हुए जाऊँगी। अब जो मैं ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करने वाली हूँ वहाँ पर ये जो है अपने आप ये राउंड होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अटैचमेंट है जिसे हम ओवरलॉक या फिर नीचे बिडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसे मैं सेट करूँगी या तो 06 या 07 पर हम जो है इसे सेट कर सकते हैं। तो आई यूज़ 07, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं छोटा ही रखूँगी ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो इसकी। बॉटम से ये पूरी सिलाई हो चुकी है हमारे स्कर्ट की। उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारा अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है उसे हमने जॉइन कर लिया है एक साथ, यहाँ से वेस्ट राउंड से जॉइन कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम फ्रंट लेंगे, तो ये फ्रंट का अपर बॉडी पार्ट है जो कि राइट साइड पर रखा हुआ है और ये लोअर बॉडी पार्ट है फ्रंट का। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए हम जो है इसे पिनअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड जॉइन करूंगी, फिर हम सेंटर से सेंटर जॉइन करेंगे इस तरह से। हमें क्या करना है, हाफ इंच की सिलाई देते हुए हम इसे जो है सील लेंगे, हाफ इंच की सिलाई कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, ओके, तो ये पोर्शन या तो नीचे की तरफ रहेगा या फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से रखते हुए हमें जो है इस पर टॉप स्टिच करना है
तो ये जो हमने जॉइंट लगाया है अपर और लोअर बॉडी का, ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, किनारे से सिलाई लगाते हुए टॉप स्टिच कर लूँगी। ध्यान देना, या तो कपड़ा नीचे की तरफ रखिए या फिर ऊपर की तरफ। ओके, तो ये टॉप स्टिच भी कर दिया है, तो फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हम बैक बनाएंगे इसका, तो ये स्कर्ट को मैंने सेंटर से 2 इंच कट कर दिया है क्योंकि जिप थोड़ा बड़ा बना दिया है। और ये हमारी अपर बॉडी है, अपर बॉडी को हमने जो है सेंटर से कट कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए स्कर्ट का सेंटर और ये अपर बॉडी का सेंटर बीच में है, तो मैं क्या करूँगी, कॉर्नर से हम इसे जॉइन करेंगे और यहाँ से करेंगे। और इसे भी जॉइन कर लेंगे हम, तो हाफ इंच की सिलाई देनी है हमें दोनों ही तरफ। तो जिस तरह से मैंने ये सैटिन को स्टिच किया है उसी तरह से हम नेट भी लेंगे और उसे भी जो है इसी तरह से स्टिच करके तैयार कर लेंगे अलग अलग। तो देखिए मैंने दोनों को ही जॉइंट कर लिया है अलग अलग से। तो ये नेट की अपर और लोअर बॉडी है और ये सैटन की है। तो अब जिप लगाएंगे हम, तो ये नेट का राइट साइड है, उस पर मैंने जिप कैसे अटैच किया है पहले, ये जो आप टिथ देख रहे हैं जिप की इस तरफ होगी और इसे मैंने सील दिया है नीचे तक, और फिर यहाँ से सिलाई करते हुए इसकी सिलाई कर दी है। अब फिनिशिंग करने के लिए हम जो है इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेन पार्ट है, हमें जो है इसे जो सैटन का जो ये शाइनी मटेरियल है ये ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि जब इसे हम टर्न करेंगे तो ये जो हिस्सा है इस तरह आना चाहिए। ओके, तो सेम आपको क्या करना है, ये रखना है इस पर इस तरह से, और जब आप सिलाई करेंगे तो आप फील कर सकते हैं ये जो टिथ है जिप की उसे बचाते हुए बिल्कुल किनारे से हमें इसकी सिलाई लगानी है एंड तक, और फिर ये जो दूसरा हिस्सा है इसे भी सील कर फिनिशिंग कर लेनी है, उसके बाद में हम इस कपड़े को जो है टर्न करेंगे। तो सिलाई हमने कर ली है, अब टर्निंग करेंगे हम इसकी। तो ये हो गई इसकी टर्निंग। तो ये जिप रेडी हो गई है, अब हम जो है नेक की फिनिशिंग करेंगे इसकी। तो जो जॉइंट है ये भी इक्वल आया है, तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग हुई है हमारी। अब हम नेक बनाएंगे बैक का, लगाने के बाद हमें बैक का नेक बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जिप फिनिश करने के बाद में जो मैंने कपड़ा टर्न किया था उसे वापस से पीछे लेकर आएंगे। ये देखिए जिस जैसे स्टिच की थी जिप हमने, उसके बाद मुझे ये कपड़ा इस तरह से रखना है, दोनों ये जो सेंटर से हमने कट किया था इस तरह से हम रख देंगे। फिर मैंने जो है 7 इंच लेंथ ली है हमारे नेक की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि मेरी टोटल लेंथ जो है नेक की वो है 3 इंचेस, तो हम 2.5 लेंगे। 2.5 किस लिए, जब क्योंकि मैं इसे कट करके स्टिच करूँगी तो ये रेडी जो है 3 होगा। लेकिन आपको 2.5 कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। देखिए मैंने यहाँ से रख के 2.5 लिया है, अगर मैं यहाँ से रख के 2.5 लेती हूँ तो ये छोटा पड़ जाएगा। ये हमारी ऑलरेडी यहाँ पर जिप फिनिशिंग हुई है तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से रख कर 2.5 इंच लेना है, और उसके बाद में मैंने ये राउंड नेक का शेप दिया है और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग हो चुकी है, अब फिनिशिंग कैसे करनी है हमें इसकी। ये मैंने एक पार्ट ओपन किया, अब ये जो नेक है यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई करते हुए हमें इस तरह से इसकी 1/2 इंच की सिलाई करनी है, और फिर इसे हमें टर्न करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अब स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, नेक का स्टिच करने के बाद में ये हल्का सा क्रॉस कट कर देंगे हम यहाँ से, और इसे हम कर देंगे क्लिपिंग ताकि ये ईजिली टर्न हो। अब सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, इसे टर्न करना है नेक को इस तरह से, अच्छे से होल से बाहर निकालेंगे, इसे टर्न करेंगे नेक को, और ऊपर से जो है इसकी हम टॉप स्टिच कर देंगे यहाँ इस तरह से। तो ये जो नेक है ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा टॉप स्टिच करने के बाद में। नेक भी देखिए रेडी हो चुका है, प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट और बैक है उसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ होंगे, तो ये दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है, इस तरह से मैं पकड़ूँगी।
और ये जो आप देख रहे हैं हाफ इंच की सिलाई करते हुए मैं दोनों शोल्डर्स को जो है ज्वाइन कर दूंगी। ओके, तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ही मैंने अच्छे से इसकी फिर से सेटिंग कर ली, ताकि जो भी कपड़ा आगे पीछे होता है तो हम सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लीव्स लगाएंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है, हमने ऑलरेडी जो है मार्किंग कर ली है अपनी। जो भी आपका वेस्ट राउंड आता है और जो भी सीट राउंड और चेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की हुई है। तो अब स्लीव लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ेंगे। तो जो हमारा स्लीव राउंड है वो है 12 इंचेस, 12 का हाफ जो है 6 होता है, तो यहाँ पर मैं 6 की मार्किंग करूँगी इस तरह से। बिल्कुल ही जॉइंट होनी चाहिए, इसे हम पिनअप कर लेंगे। और अब यहाँ से जो है ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई। तो हमें क्या करना है, अच्छे से चारों कपड़ों को पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें हाफ इंच की सिलाई करनी है और ये बॉटम तक जो है इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो दोनों तरफ जो है हमें इसी तरह से इसे स्टिचिंग करनी होगी इसकी। तो दोनों तरफ से हमने स्टिच कर लिया है, अब इसे हम टर्न करेंगे। तो ये दोनों तरफ से स्लीव लग गई है हमारी, अब इसका बो बनाना है हमको यहाँ पर लगाने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये दो कपड़े मैंने कट किए थे जिसकी लेंथ जो है 16 इंचेस है और विड्थ 6 इंचेस है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितना कट किया था मैंने, इसे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो ये करीब 42 इंच मैंने कट किया है लेंथ और विड्थ इसकी है 4 इंचेस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो दोनों कपड़े थे उसको राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए हमने हाफ हाफ इंच की सिलाई लगा दी है। तो ये सिलाई आपको कैसे लगानी है, 3 साइड्स आपको लगानी है, 1, 2 और 3। एक साइड हम ओपन रखेंगे क्योंकि इसे अभी जो है हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद में पेंसिल से हमने इसे टर्न किया है, ये जो कॉर्नर्स है इसके हम ये निकालेंगे अच्छे से। इसके बाद इसे बैठाने के लिए या तो आप प्रेस कर सकते हैं या फिर हमने जो है सिलाई की है इस तरह से पकड़ना है आपको ये, और ये हिस्से को अच्छे से पकड़ते हुए हम यहाँ से सब जगह से जो है सिलाई लगा देंगे इसकी। और ये जो वाला पार्ट है आप जो अभी ओपन देख रहे हैं, सिलाई लगाने के बाद में तीनों तरफ से कफ स्टिच देने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया और इसे भी जो है हम सिल के क्लोज कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये सिलाई दी है और ये क्लोज किया हुआ है। उसके बाद हमें ये बो के लिए क्या करना है, ये मैंने कॉलर कैनवस लिया है। तो इस कपड़े पर हमने जो है रॉन्ग साइड की तरफ, रिमेंबर हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड की तरफ जो है कॉलर कैनवस लगाना है। तो ठीक है, तो दोनों पर हम लगाएंगे, इस पर और इस पर, दोनों पर हमने कॉलर कैनवस लगाया है। अब इसे हमें स्टिच कैसे करना है, ये कपड़े का राइट साइड मैंने लिया और ये कपड़े का राइट साइड, तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है और कैनवस के जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है। तो इसे भी हम 3 कोने से सी लेंगे, हाफ हाफ इंच की सिलाई देकर सील लेंगे। उसके बाद हमें इसे टर्न करना है और फिर जो है स्टिच करना है ओपन पार्ट को। तो ये दोनों बो हमने स्टिच कर लिए है, बो का ये जो नीचे का पार्ट है और ये भी हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें टर्न करना है, सो टर्न हो चुका है। अब फिर से हमें नीचे से सिलाई करते हुए यहाँ पर ऊपर आना है टॉप स्टिच करते हुए, और फिर ये जो आप ओपन पार्ट देख रहे हैं इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर देंगे। ओके, तो इसकी साइड से भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे सेंटर से मार्क किया है, तो इस तरह से कुछ पकड़ते हुए आपको इसे 1, 2, 3 तो मैं इसे यहाँ पे स्टिच करने वाली हूँ। या तो आप इसे हैंड स्टिच कर सकते हैं या मशीन स्टिच, तो मैं इस तरह से रखते हुए इसे मशीन स्टिच करूँगी। तो ये सेंटर से स्टिच कर लिया है मैंने, बेसिकली 3 प्लेट्स दी है मैंने इसे ऊपर की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला कपड़ा लेना है। तो ये जो आप सेंटर देख रहे हैं और इसका कॉर्नर, एक हम सेंटर से इस तरफ रखेंगे और दूसरा सेंटर से हम इस तरफ रखेंगे। दोनों पट्टी सेंटर के कॉर्नर पर आएगी और इस तरह से रखते हुए हम जो है इसकी सिलाई कर देंगे, तो ये पक्का हो जाएगा। ओके,
तो वो हमने स्टिच कर लिया है, ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम पीछे लगाएंगे। ये जो हमारा जॉइंट आप देख रहे हैं ठीक इसके नीचे हमें इसे लगाना है, यहाँ पे सेंटर पकड़ते हुए जिप का ये जो जॉइंट है ठीक इसके नीचे रखकर, या तो आप हाथ से सिलाई करें या फिर मशीन से सिलाई कर लीजिए इसकी, तो ये जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे, तो ये जॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस जॉइंट पर इस तरह से रखते हुए, क्योंकि अब ये जिपर आ गया है तो हम सेंटर स्टिच नहीं कर सकते, तो यहाँ से जो सेंटर है इसका हाफ हाफ इंच छोड़कर हम दोनों तरफ सिलाई करके इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये बो लग चुका है, तो ये हमारे फ्रॉक की स्टिचिंग हो चुकी है।